सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज 19 फरवरी, आज मार्केट गैप अप ओपन हुई। निफ्टी 50 अपने साइकोलॉजिकल नंबर 22100 पे ओपन हुई और वापस जाके अपने प्रीवियस डे की क्लोजिंग को टच किया एंड वापस अपने रेजिस्टेंस पे आ गई, जो कि हमारा 22100 का लेवल था। एंड वहाँ पे आके निफ्टी 50 ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। तो यहाँ पे बहुत से लोग पुट की एंट्री बनाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पुट की एंट्री अपनी इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि मार्केट जस्ट अभी नीचे से रिवर्स होकर आई है। यहाँ पे मेरा अपसाइड के लिए ही व्यू है, बस मार्केट को थोड़ा डाउन साइड आके फिर अपसाइड जाएगा तभी मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा। एंड बैंक निफ्टी में बात की जाए तो बैंक निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल नंबर 46500 पे है। यहाँ से भी बैंक निफ्टी अप जाएगा, जब दोनों ही अप साइड जाएंगे और निफ्टी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तभी मैं अपना कॉल साइड का प्लान करूंगा। दोस्तों उस ट्रेड में मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था तो मैंने उस ट्रेड को अवॉइड किया। एंड यहाँ पे देखा मैंने बैंक निफ्टी ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न शो किया है, तो यहाँ पे मैं इस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपनी एंट्री बनाऊंगा। तो लेट्स वेट, अभी देखते हैं क्या होता है। तो चार्ट पर बैंक निफ्टी ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट किया है एंड यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे हम अपनी एंट्री बनाएंगे क्योंकि मार्केट ने रिटेस्ट भी कर लिया है एंड यहाँ पे स्ट्रांग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। एंड यहाँ पे जो मेरा एसएल रहेगा वो प्रीवियस कैंडल के बॉडी तक का ही रहेगा एसएल। एंड यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड पंच अप कर दिया। एंड निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पर है, तो अभी यहाँ पे इसलिए मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि निफ्टी 50 साइडवेज बुलिश है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेड पंच हो चुका है। लेट्स वेट, देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता है या एसएल हिट होता है। बैंक निफ्टी ने एक बिग रेड कैंडल बनाया एंड मेरा एसएल हिट कर दिया एंड उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सस्टेन किया एंड उसके बाद मार्केट ने अपसाइड की डायरेक्शन में एक अच्छा खासा मूव दिया। मार्केट में आज गजब की वोलेटिलिटी देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्रीवियस रेड कैंडल है, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग एंड नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में 20 पॉइंट्स का गैप था एंड यहाँ पे विदाउट एनी रीजन मार्केट में इतने गैप के बाद कैंडल ओपन हुई। वहीं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में सेम कंडीशन थी एंड मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत थी, तो उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में।